देखिए हम लोग कोल माइंस में आए हैं, ओपन कोल माइंस। यहाँ बहुत सारे मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। पर लगातार मेरे ख्याल से 8-10 डंप ट्रक है। उधर माहौल देखिए काफ़ी डीप में हम लोग आए हैं। ये देखिए माइनिंग हो रहा है यहाँ पर, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, एक्सकेवेटर की है। और देखिए कितना बड़ा ये माइंस है। माइंस में ये देखिए ये कन्वेयर में माइंस से आ रहा है ये कोयला, और ये यहाँ से कन्वेयर के बाद हर गाड़ी में लोड हो रही है। देखिए NTPC की गाड़ी है, वैगन है, इसमें लोड हो रही है। देखते हैं अब कैसे लोड है। देखिए पूरा प्रोसेस देखिए कहाँ से कहाँ तक ये कोयला को क्रश करके कन्वेयर के थ्रू हर बोगी में डाला जाता है। ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं कि किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। ये देखिए ये आपका 65 टन है, और ये ऊपर से वेट हो जाता है 65 टन, और 60 टन होता है। देखिए जरा देखिए यहाँ पे टनिस बताता है कितना टन हो रहा है, कंप्यूटराइज है सारा सिस्टम, कंप्यूटराइज है। और ये देखिए यहाँ पर ये देखिए लोडिंग हो रहा है। ये 65 टन देखेंगे इसमें किस तरीके से लोड हो रहा है। ये देखिए लोडिंग स्टार्ट है। एक बार में भर गया भाई। तीन बार में हो गया मेरे ख्याल से, 3 बार में 65 है। रोटेशन में 65 टन एक बोगी में भर जा रहा है, लेकिन फिर आगे प्रोसेस चल रहा है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। अभी हम लोग और ऊपर जा, ये देखिए इसमें कलेक्ट होता है 3 बार में जो आता है वेट के हिसाब से, फिर यहाँ से ढक्कन खोला जाता है और वो गिर जाता है बोगी के अंदर है। देखिए वैगन सब लगातार बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ते जा रही है। इधर से देखिए खाली वैगन आ रही है कन्वेयर्स के थ्रू, 65 टन 60 टन अलग अलग टन इसके हिसाब से है वो फिल होती जा रही, गाड़ी आगे बढ़ते जा रही है। कोयला ही कोयला, हर तरफ आपको कोयला ही दिखेगा। अभी हम लोग कन्वेयर सिस्टम के बिल्कुल टॉप पर हैं, जहाँ पर ही कोयला आता है कन्वेयर के थ्रू। ये देखिए कन्वेयर लगा हुआ है, टॉप पर है, हर तरफ कोयला कोयला ही नज़र आ रहा है। बाप रे, डंपिंग हो रहा है।
बोगियों को देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट स्पीड में वो आगे चल रही है। मेरे ख्याल से इंजन से वो फिक्स होगा क्योंकि उसी अंतराल में आ रही है, और तीन बार में मेरे को दिख रहा है, तीन टीले दिख रहे हैं, तो तीन बार में ये बोगी भर जा रही है। तीन बार कन्वेयर को ढक्कन को ऑन किया जाता है और तीन दफ़ा में वो एक बोगी भर जा रही है। सब टाइमिंग फिक्स है कितने देर में एक बोगी भरेगी और कितने देर में पूरी बोगियाँ जो हैं उनको भरा जा सकता है। ये मेंटेनेंस एरिया देखिए, कितने सारे ड्रम ट्रक जो है ऑक्शन के लिए पड़े हुए हैं। ये अब ऑक्शन में जाएंगे। ये देखिए कितने सारे ड्रम ट्रक हैं। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। माइंस के अंदर जो भी गाड़ी आती है देखिए उनके ऊपर मैं लाल झंडा, ये बगल में आपका कन्वेयर है, कन्वेयर से ये माल जा रहा है जहाँ पर हमने आपको दिखाया था। और ये देखिए मेंटेनेंस एरिया है जहाँ पे गाड़ियों का मेंटेनेंस किया जाता है। देखिए काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, ट्रक्स को अगर देखो तो देखिए कैट का है, कैटरपिलर का ये ट्रक्स है। अभी हम लोग ECL में है, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, राजमहल एरिया, झारखंड। ये कंट्रोल रूम है, यहाँ का यहाँ से सारा कंट्रोल होता है, कौन सी मशीन काम कर रही है, कितना कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और सारा इन्फॉर्मेशन यहीं से कलेक्ट होता है। किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम है, सेफ्टी इशू है, या फिर कोई मशीन रुकी है तो क्यों रुकी है, प्रोडक्शन कम हो रहा तो क्यों हो रहा है, सारा जवाब यहीं पर है।